नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मृदुल चंदेल। सावन माह की शुरुआत हो चुकी है और इसी के साथ कांवड़ियों का सिलसिला भी शुरू हो चुका है। वहीं इस बीच गृह मंत्रालय ने एक अलर्ट जारी किया है जिसमें कहा गया है कि कांवड़ियों को कट्टरपंथियों से खतरा है, जिसे लेकर गृह मंत्रालय ने राज्य सरकारों को एक एडवाइजरी जारी की है और उसमें कहा गया है कि कांवड़ियों की सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए जाएं। सावन माह शुरू होते ही यूपी समेत देश भर में कांवड़ यात्रा का सिलसिला शुरू हो गया है। इस बीच इन यात्राओं को कट्टरपंथियों या आतंकियों द्वारा निशाना बनाए जाने का अंदेशा है। इसे देखते हुए केंद्रीय गृह मंत्रालय ने सतर्क रहने और कांवड़ यात्रियों की सुरक्षा बढ़ाने का निर्देश दिया है। दरअसल कांवड़ यात्रा को लेकर गृह मंत्रालय ने एडवाइजरी जारी की है। इंटेलिजेंस ब्यूरो की थ्रेट रिपोर्ट के आधार पर ये एडवाइजरी जारी की गई है। सूत्रों के मुताबिक कांवड़ यात्रा में रेडिकल एलिमेंट्स से खतरे का अंदेशा है, इसलिए राज्य सरकारों को सुरक्षा बढ़ाने के निर्देश दिए गए हैं। वहीं रेलवे बोर्ड को भी खतरे को देखते हुए ट्रेनों की सुरक्षा कड़ी करने के निर्देश दिए गए हैं। सूत्रों ने बताया कि एडवाइजरी के मुताबिक कांवड़ यात्रा के दौरान किसी भी तरह के खतरे से निपटने के लिए बड़ी संख्या में पुलिसकर्मियों को तैनात किया जाना चाहिए। गृह मंत्रालय की ओर से राज्यों सरकारों को भेजी गई एडवाइजरी में कांवड़ यात्रा में किसी भी खतरे से निपटने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा पुलिस बल तैनात किए जाने के निर्देश दिए गए हैं। खासतौर पर उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश में कांवड़ यात्रा के दौरान सुरक्षा के कड़े इंतजाम करने को कहा गया है। ट्रेनों में भी सुरक्षा बढ़ाने के निर्देश दिए गए हैं। कांवड़ यात्रा को लेकर उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। मेरठ और वाराणसी जोन में सुरक्षा के लिए अतिरिक्त पुलिस बलों की तैनाती की गई है। सुरक्षा के लिए पूरे राज्य में 151 कंपनी PAC और 11 कंपनी केंद्रीय पुलिस बल की तैनात होंगी। वहीं ATS और एंटी सैड बॉयज टीम के साथ बम निरोधक दस्ते को भी तैनात किया गया है। पूरे प्रदेश में 12,356 किलोमीटर लंबे 840 कांवड़ मार्ग को चिन्हित किया गया है, जहां 4,556 शिवालय हैं, जहां लोग जल अभिषेक करेंगे। 314 स्थानों पर सावन के मौके पर लगने वाले मेले के लिए भी सुरक्षा चाक चौबंद रखने के निर्देश दिए गए हैं। इस खबर में फिलहाल इतना ही। बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।